101% इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो शिवराज सिंह चौहान जी 200 बार अब की बार। कौन? शिवराज सिंह चौहान 200 बार अब की बार। 200 पार शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी। कौन लग रहा है मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। शिवराज चौहान मुख्यमंत्री। मामा 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 मामा। कौन मुख्यमंत्री? मामा। सभी योजनाओं का माननीय शिवराज जी की जितनी योजनाएं उसका सभी लाभ ले रहा है। सबसे पहले मुसलमान लाभ लेने पहुंचते हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूं। 36% मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिला है। तो मैंने यहाँ तक देखा है कि आज सारे बिल माफ हो गए जो अगले महीने से चले हुए थे। सारे बिल आज माफ हो गए। माफ हो गए जिनके पास 25,000 का बिल था, 1,00,000 का बिल था, 80,000 का था, मामा ने सारे माफ कर दिए। अगर हमारे लोगों में अगर जरा सा भी वो है इंसाफ करने की बात, तो मध्य प्रदेश के अंदर फिर कमल खिलाइए, क्योंकि योजनाओं का पीड़ा जो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कर सकते हैं, बाकी कोई सरकार आ जाए तो नहीं कर सकती, सिर्फ आश्वासन दे सकती है। सब भेदभाव से हमारा मकान तोड़ रहे हैं, दुकान तोड़ रहे हैं। भाई अवैध कोई काम भी करोगे तो वो तो टूटेगी। मतलब उनको कांग्रेस के टाइम में एक तरफ क्राइम मेंटालिटी की तरफ कि मियां भाई है लड़ लेगा, क्यों लड़ लेगा, हम लोग क्या लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो? शिवराज सिंह चौहान जैसा हो। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश से हम आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, लगातार जनता का सर्वे दिखा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता क्या चाहती है। इस समय ओल्ड भोपाल यानी कि पुराने भोपाल शहर में इस समय मौजूद हैं। मस्जिद हमाल के सामने हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर धूप आज जो है खिलखिलाती हुई जो है निकल चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार जो है मध्य प्रदेश में बारिशें हो रही थी, ठंड का माहौल हो गया था, लेकिन राजनीतिक गर्मी जैसे जैसे बढ़ती गई है और ज़्यादा राजनीतिक गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। आइए बात करते हैं ओल्ड भोपाल में हमारे साथ जो है सभी वर्गों का, हम आपको जो है ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं इस बार वो किसकी सरकार चाहते हैं। आइए हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनसे बात करेंगे कि वो इस बार किसके साथ है, क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में वोटिंग करेंगे और पिछली सरकारों का काम उनको कैसा लगा, आइए बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मैं अनीस खान हूँ। अनीस खान, यही ओल्ड भोपाल के रहने वाले? प्रॉपर पुराने भोपाल से हूँ। क्या लग रहा है सर इस बार, क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? वातावरण तो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी ही फिर से लगातार पांचवीं बार बनाई, बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। निश्चित लग रहा आपको ऐसा? लग नहीं रहा, निश्चित रूप से बनाएगी, निश्चित रूप से बनाएगी। ऐसा क्या, इतना कॉन्फिडेंस क्यों लग रहा आप? कोई इस पूरे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों में कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की हो। शिवराज जी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का सपना था, अंतिम व्यक्ति के कल्याण की जो सोच थी, उसको धरातल पे लाकर पूरा किया है। क्या ऐसा है क्या, सब वर्गों को साथ में लेके चल रहे हैं क्या मामा जी? अच्छा, सबको लेके चल रहे हैं। क्या नाम है आप? मोहम्मद नफीस बोलते हैं मुझे। मोहम्मद नफीस नाम है आप? भारतीय जनता के रहने वाले करता हूँ, यहीं का हूँ, छावनी का हूँ। यही छावनी के रहने वाले हैं, ओल्ड भोपाल के? जी ओल्ड भोपाल का रहने वाला हूँ। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है, हमारे शिवराज भाई ने सबको लेके चले हैं, हिंदू मुसलमान को कोई इसमें भेदभाव नहीं है। कैसे जमाने की योजना है, जो लाडली योजना और भी योजना है, अभी टंकी का मामला आया, ये 1,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं सबको, उसके अंदर हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं है सबको, यानी कि जो भी लाभार्थी है उसमें कुछ भेदभाव नहीं किया जा रहा, सबको लाभ मिल रहा, कोई भेदभाव नहीं है। जी क्या नाम है आप? हाजी मोहम्मद इस्लाम, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप? अच्छा, उसका आजीवन सदस्य हूँ और मुझे शिवराज जी की सरकार बहुत अच्छी लग रही है, आने वाले भविष्य में ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार उन्हीं की बनेगी। निश्चित रूप से कह सकते हैं आप सरकार उन्हीं की बनेगी, क्योंकि उनके कार्य बहुत सफल कार्य हैं, जिससे जनता में कोई रोष नहीं है बल्कि प्रसन्नता है। जहाँ लाडली बहनों के लिए उन्होंने देखा, वहाँ मुस्लिम महिलाओं को भी इसका लाभ मिला है, हॉस्पिटल में हिंदू मुसलमान सबका इलाज होता है, कोई भेदभाव नहीं है, आयुष्मान योजना में सबको मिलता है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, हॉस्पिटल में ये नहीं होता कि मियाँ का इलाज नहीं होगा, हिंदू का होगा, ऐसा कोई नहीं है, किसी तरह की कोई सांप्रदायिक भावना मध्य प्रदेश में ना है ना रहेगी। लेकिन जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि भेदभाव किया जा रहा है आपस में, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सब झूठी अफवाहें, कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग यहाँ के नागरिक हैं और भरपूर समर्थन देंगे शिवराज जी। बिल्कुल, यदि भेदभाव होता तो जो एक दूसरा राजनीतिक दल लगातार
लगातार 1947 के बाद से 2003 तक एक शब्द जो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा और यूँ हो जाएगा तू हो जाएगा, लगातार 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 तक रही लगभग 15 साल, 15 साल में कहीं पर भी किसी एक चिड़िया के बच्चे को कोई क्षति पहुंची हो किसी प्रकार की तो बताइए आप, नहीं पहुंची ना। उनका काम था डराना, इनका काम है काम करना, सुशासन, गुड गवर्नेंस। आज आपको दिख रही होंगी सड़कें, खुशहाल मध्य प्रदेश, खिलता हुआ मध्य प्रदेश, हर क्षेत्र में अग्रणी है मध्य प्रदेश। चाहे आप हमारा खेती का स्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जितनी योजनाएं आई उन किसी भी योजनाओं में क्या ये हुआ कि आपका नाम फलाने और आपका नाम ढिकाने तो आपको हम ये योजना का लाभ नहीं देंगे? नहीं। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, हम समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। ये लोग जो आपस में बांटने का काम करते हैं और फिर आरोप यहाँ लगाते हैं, कुछ दिन से विवाद भी बहुत सारे चल रहे हैं और फिर उल्टा आरोप यहाँ लगा दिए जाते हैं, इनको क्या कहना चाहते हैं ये? उनके पास कोई काम ही नहीं है ना, जिसके पास कोई काम नहीं है, जब एक सरकार एक मुख्यमंत्री जी ने पूरे काम को कर दिया तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं करने को। वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो बोलते हैं कि हम आएंगे सरकार में और हम आके सरकार में ऐसा करेंगे। अरे भैया कुछ बचा ही नहीं ना करने को, क्या करोगे आप? तो मसाला समेट रहे हैं, मसाला समेट रहे हैं। कौन समेट रहा है मसाला भाई? कौन समेट रहा है? दो ही पार्टी, कांग्रेस विपक्ष, कांग्रेस समेट। और क्या, अब तक क्या वो केवल नाम पर वोट खाते रहे, काम किया कुछ? काम कुछ नहीं करा, कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं किया। जी आपका क्या, भाई साहब आ गए, क्या नाम है जी? मेरा बंटी भाई नाम है मेरा। अच्छा, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सन 2003 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी मध्य प्रदेश में, उससे पहले इतना भय का माहौल था कि अगर बच्चा काम के सिलसिले में 25-50 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाता था तो माँ बाप फ़ोन लगाते थे कि बेटा जल्दी आ जाओ, सुरक्षित जगह पे चले जाओ, दंगे का डर है। दंगे का डर है जी, क्योंकि अब आप देखिए कि इतने 18 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार में, किसको माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसको हानि पहुंची है आप ये बता दीजिए। अल्पसंख्यक समाज में, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में, सभी खुशहाल हैं, सभी योजनाओं का, माननीय शिवराज जी की जितनी योजनाएं उसका सभी लाभ ले रहे हैं, सबसे पहले मुसलमान लाभ लेने पहुंचते हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ये देखिए बड़ी बात इन्होंने कही है, जो आपस में राजनीति करते हैं, सुन लीजिए फिर से बताइए, कई लोग सुन नहीं पाते हो, एक तरफा कर देते हैं। देखिए जितनी भी मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की, केंद्र की राज्य की, अल्पसंख्यक समाज खास तौर से मुस्लिम महिलाएं और पुरुष सबसे पहले आपको दिखेंगे उस योजनाओं का लाभ लेते हुए, क्योंकि शिवराज जी का साफ निर्देश है कि किसी से कोई चार्ज ना लिया जाए, किसी को परेशानी नहीं हो, सर्विस नंबर दे रखे हैं, अगर कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए। अल्पसंख्यक समाज बहुत खुश है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से। अभी बताते हुए ये हर्ष होता है कि मुख्यमंत्री जो अभी लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई उसके अंदर 36% मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिला है। 36% मुस्लिम महिलाओं को, आंकड़ा बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, 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 शिवराज मामा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये आंकड़े अपने आप में ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या किया है। अब बचा कुछ है नहीं, दूसरे राजनीतिक दल के पास कुछ करने को है नहीं, तो वो क्या कहता है हम आकर सरकार में ये करेंगे। भैया जब तुम सरकार में थे, जब तुमने 18 महीने में क्या कर दिया, जब तुम 2003 से पहले सरकार में थे, जब तुमने क्या किया, जब कहाँ थे तुम, जब ये रोड कहाँ थे, आज रोड देखिए, आज इस मध्य प्रदेश में आप सुशासन देखिए, आप देखिए अपराधों पर अंकुश पूरे तरीके से है ना, सारी चीज़ें हमारी जो करी वो किसने करी, शिवराज जी मामा की सरकार ने करी। आप नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को देख लीजिए, इस देश के अंदर ऐतिहासिक 4 फैसले 5 फैसले ऐसे हैं जो जीवन में कोई प्रधानमंत्री 47 से लेकर आज तक कर पाया, और आज के बाद अगले 200 नहीं 500 साल तक कोई नहीं कर पाएगा जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। नोटबंदी, हम एक घर के सामान को नहीं बदल सकते, 2 महीने तक सोचते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक रात में पूरे देश के नोट बदल दिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति एक समान होगा,
हम गरीबी और अमीरी का भेदभाव समाप्त करेंगे, और करके दिखाया, दिखाया ना 370 करके दिखाया। आज कश्मीर पूरा खुश है, कश्मीर पूरा खुश है आज तो, यहाँ तक भी जम्मू कश्मीर से जो 370 हटा, यहाँ पर भी ये जो है उसकी आवाज़ सुनने को मिल रही है। बिल्कुल आवाज़ सुनने को मिल रही है। मैं मोहम्मद फराज खान, बहुत बढ़िया कार्य करा है भारतीय जनता पार्टी ने, 370 हट गई है, जो कि आज इतिहास में मतलब कभी नहीं हुआ, जो मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। शिवराज जी भी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा हर योजना चालू कर दी है और बढ़िया योजना चल रही है, 5 रुपए में खाना दे रहे हैं, दीनदयाल रसोई योजना चल रही है, उजाला दीनदयाल रसोई योजना का भी सब लाभ ले रहे हैं, सब और सबको लाभ मिलता है। और एक आज नहीं है, क्या नाम है आप? मेरा जावेद खान नाम है और मैं मध्य विधानसभा से ही हूँ। अच्छा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आज बिल जमा करने गया था, जब बिजली घर आज गए, आज मैं बिल जमा करने गया था तो मैंने यहाँ तक देखा है कि आज सारे बिल माफ हो गए जो अगले महीने से चले हुए थे, सारे बिल आज माफ हो गए, माफ हो गए। जिनके पास 25,000 का बिल था, 1,00,000 का बिल था, 80,000 का था, मामा ने सारे माफ कर दिए, क्योंकि आज जो बिल आएगा वो बनना है, बाकी सारे बिल जीरो कर दिए, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है और पूरे समाज के बिल माफ हुए, ऐसा नहीं कि एक समाज का, सबसे ज्यादा मैंने जाकर देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी जो काम कर रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी मामा जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं और सब वर्ग के लिए कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय हमारी महिलाओं के अंदर इतना यानी खुशी का माहौल है कि जिस दिन से उन्होंने लाडली बहना योजना चालू की, उस दिन से आज दिनांक तक जब भी जाते हैं हम मिलते हैं जुलते हैं लोगों से, तो यही कहती हैं कि नहीं मामा अच्छा काम कर रहा है, वोट हम मामा को ही देंगे और फिर हम उन्हें जिता के लाएंगे, फिर कमल के लाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा, ये जनता पार्टी, इन्होंने एक जिक्र किया कि बीच में 18 महीने सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, इसको लेकर जब कांग्रेस से हम सवाल करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि 15-18 महीने मिले, 5 साल दीजिए हमें पूरे, 15-18 महीने बहुत कम समय, 5 साल दीजिए, 5 साल सुनिए। तो जब आपको 18 महीने दिए गए तो आपने मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी ने हमारी योजनाएं चलाई थी वो योजनाएं बंद क्यों करी गई? आपने सिंबल मजदूरी काट के सिंबल योजना कर दी आपने, वो भी आपने बंद करके रखी, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, सिर्फ रोहित खनन खनन के लिए लगे रहे, उनके मंत्री उनके विधायक सिर्फ अपने डिपार्टमेंट मांगने के लिए लगे रहे, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी आपने योजना निकाली कि हम सिंबल योजना, महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, महिलाओं को गैस सिलेंडर, अरे भाई आपका बजट जब आपके पास सरकारी नहीं है तो आप जनता को क्या दोगे? जनता को क्या दोगे? आश्वासन के अंदर सरकार नहीं चलती। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे शिवराज जी ने जो कहा वो करके दिखाया। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने उस वक्त उन्होंने लाल परेड ग्राउंड के अंदर खड़े होकर आज गरीबों को जो राशन मिल रहा है पूरा मुफ्त मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? आज जो भी योजनाएं पूरे समाज के लिए चल रही है, हम ये कहना चाहते हैं और इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर हमारे लोगों में अगर ज़रा सा भी वो है इंसाफ करने की बात तो मध्य प्रदेश के अंदर फिर कमल खिलाइए, क्योंकि योजनाओं का पीड़ा जो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कर सकते हैं, बाकी कोई सरकार आ जाए तो नहीं कर सकती, सिर्फ आश्वासन दे सकती है। बिल्कुल, फिर आऊँगा आपका, बहुत से लोग छूट गए हैं, अभी सबसे एक एक करके राय लेंगे। आपका आपका क्या नाम है? जहीर रिज़वी। इन्होंने कहा फिर जो है कमल आएगा, अब आप ये पहले, हाँ ये भी देखेंगे, पहले ये बताइए कमल का फूल आएगा या कमल नाथ आएंगे? इन्होंने कमल कहा खाली, कमल का फूल आएगा, कमल का फूल आएगा। अब दिखाइए क्या दिखा, ये बिल मेरा माफ, मेरे कैमरा में 7,000 रुपये बिल माफ करा है मामा ने मेरा, ये 7,000 रुपये का बिल माफ करा है मामा, माफ करा है मेरा, ये इसके आइए इसके अंदर पूर्व में कब हुआ ये बिल? आज हम एक्सक्लूसिवली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने आए और आज ही हमको यहाँ पर लोग मिल रहे हैं और ये दिखा भी रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं अपने फोन से मोबाइल के अंदर आजकल, क्योंकि ऑनलाइन से करा मेरा 7,000। हाँ मामा ने माफ करा है। अच्छा, बहुत से लोगों से जब हम चर्चा करते हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं वो कहते हैं कि केवल ये सरकार एक समुदाय के लिए काम कर रही है, एक सबके लिए बराबर है। और ये तो दिख ही रहा है आपका भी बिल, हाँ मिसेस को भी मेरे 1,000 मिलना बराबर है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो इस तरह का भ्रम जो है फैलाते हैं समाज में? गलत फैला रहे हैं वो लोग, आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों को भ्रम फैला? आपका भी तो बिल माफ हुआ, मेरा भी बिल माफ हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह की बात करते हैं भ्रम फैलाने की, मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप आइए और आके सिर्फ ये देखिए, तस्वीर कुछ होती है और दिखाते कुछ हैं, तस्वीर कुछ होती दिखाते कुछ हैं, मगर मेरा ये कहना है शिवराज सिंह चौहान खुले मंच से चैलेंज करके काम कराते हैं, आप तो पीठ से बैठ कर काम कराते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। सिर्फ
कोई काम नहीं है बेवकूफ बनाने के अलावा। और ये जो बात इन्होंने कही, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, जो बात इन्होंने कही कि केवल भ्रम फैलाते हैं, उस भ्रम पर मत जाइए। एक बार मेरे पीछे का दृश्य देखिए आप वाइड एंगल से, पीछे आपको मस्जिद दिखेगी और सामने आपको क्या दिखेगा, दिखाइए मेरे कैमरामैन, जरा कैमरामैन मेरे दिखाइए जरा फोकस करके वाइड एंगल से, एक तरफ पीछे मस्जिद और साथ में क्या दिख रहा है आपको, गणेश चतुर्थी चल रही है तो उनका पंडाल, और दूसरी तरफ बहुत से लोग आकर के जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं। देखिए ये तो एक ही समुदाय को केवल बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ सब कुछ। ये भारत था, भारत है, भारत रहेगा। अल्लामा इकबाल ने कई साल पहले कहा था, जब ये देश आजाद हो रहा था, तो जब 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 ये देश आजाद हुआ, जब कोई ना हिंदू था ना मुसलमान था ना सिख था ना कोई ईसाई था, जब सब हिंदुस्तानी थे, तब अल्लामा इकबाल ने लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा मातृ वतन जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर जोश है वो बढ़ता जा रहा है लोगों में, युवाओं से भी और बात करें, क्या नाम है आप? तनवीर कुरैशी। कुरैशी जी क्या लग रहा है इस बार माहौल आपको? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, इससे इस ये अपना बच्ची जब पैदा होती है, मामा की योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर बच्ची के जवान होने तक जो योजनाएं हैं, उसकी शादी, कन्यादान योजना, इसका लाभ सबको मिल रहा है, सभी वर्गों को, सभी को मिल रहा है, सभी वर्गों को मिला है, आज तक कोई भेदभाव नहीं हुआ। श्रीमान जी कभी हुआ ही नहीं है कि कोई ऐसी योजना आए जिसमें ये लिखा जाए कि इसको दिया जाएगा इसको नहीं दिया जाएगा। योजना शिवराज जी जितनी भी लाए, बहन कोई भी बहन प्रस्तुत हुई है तो उसके हॉस्पिटल में बच्चे का, बच्चे के बाद का, उसके बाद बच्चा जब जन्म लिया तो उसको लाडली बनाया, जब लाडली बनी तो उसकी शिक्षा का खर्चा उठाया, जब शिक्षा पूर्ण हो गई शादी हुई तो शादी कराए, और इससे ज्यादा कोई सरकार क्या करेगी आप बताइए। भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे माननीय शिवराज सिंह जी का नाम मामा पड़ा है, ऐसे ही मुस्लिम वर्ग दिखावा तो नहीं कर सकता लेकिन अंदरूनी इतना खुश है क्योंकि भाई में रहता है, 16 महीने में इतना भय बना दिया था और अभी भी 16 महीने में किसने बनाया भय? जो कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ सरकार ने, लेकिन अब जब से ये बिजली के बिल माफ हुए, लाडली योजना और लाडली बहना, लाल समग्र आईडी और ये आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, तो मुसलमान वर्ग ने एक नारा दिया है, मामा भी हैं और हम मुसलमानों अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मामू भी हैं, घर में बच्चा बच्चा उनसे मामू कह रहा है, मामू कह रहा है, मामू मामू मतलब मामा उर्दू में, मतलब आपने प्यार से मामू, अब वो मामू के नाम से जाने जा रहे हैं, हर घर घर में, हर घर में उनकी लहर है शिवराज सिंह चौहान जी की, इंशाल्लाह 101% भारतीय जनता पार्टी की नई योजना निकाली गई है, जो सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए, जो पढ़े लिखे युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही उस पर इन्होंने निकाली योजना, आए सीखें और फिर उसके बाद उनको वो भी स्पेंड दिया जाएगा, ट्राई सभी लाभ सब लोग ले रहे हैं, सभी हर वर्ग के लोग ले रहे हैं और खूब ले रहे हैं, जबरदस्त लाभ ले रहे हैं। एक कमेंट और मैं लेना चाहूँगा, आजकल पूरे देश में एक और चर्चा चल रही है बुलडोजर को लेकर के, और वो कार्रवाई सब जगह हम देख रहे हैं, अब उसमें हम देख रहे हैं कि अपराधियों पर वो चल रहा है लेकिन उसमें भी एक एंगल जोड़ दिया जाता है, क्या कहेंगे जो लोग ये एंगल जोड़, ये जो एंगल जोड़ रहे हैं वो लोग वो जो होते हैं जो अपराध की दुनिया में लिप्त हैं, भाई उनको तो बचाव चाहिए ना, तो बचाव करने के लिए क्या कहेंगे वो कि साहब भेदभाव से हमारा मकान तोड़ना है, दुकान तोड़ना है, भाई अवैध कोई काम भी करोगे तो वो तो टूटेगी, वो तो बिल्कुल नियम में है, अगर आप कोई गलत करोगे, किसी माँ बेटी बहनों को किसी को छेड़ोगे आप या उसके साथ कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ कानून बनाए, वो कानून होना चाहिए, इससे अपराध कम हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी योजना चलाई है उन्होंने, ये बहुत अच्छी चीज़ चलाई है जिससे कि अपराध कम हुए। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आसिफ अली प्रवक्ता मुस्लिम राष्ट्र पार्टी। 70 साल में जिस तरीके से मुसलमानों का डेवलपमेंट कांग्रेस ने किया था उसमें हमारे जो ज़्यादातर मोहल्ले उन्हें गेटोस की तरह डेवलप किया था, गेटोस समझते होंगे आप, अमेरिका में होते हैं निगर्स के एरिया होते हैं जो ना जो जो ब्लैक्स होते हैं उनके एरिया होते हैं, ये जो इंक्रोचमेंट की आपने बात की दबा करके रखा जी, एक डर का माहौल बनाया था, अगर हम पॉपुलेशन के स्टेटिस्टिक को देखेंगे पिछले जितने साल से ये सरकार हमारी भाजपा के केंद्र में है उसके बाद से अवेयरनेस जो आई है, नोटबंदी हो या GST हो, मुस्लिम समाज जो है वो धीरे धीरे मुख्य धारा में जुड़ता चला जा रहा है, धारा में जुड़ता जा रहा है, बात कही इन्होंने कि मुसलमान अब मुख्य धारा में जुड़ता जा रहा है, IAS IPS में जितने लोग पहले एस्पिरेंट हुआ करते थे उससे ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, जो योजनाएं हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट का सिस्टम आया, इसके
मतलब मुसलमानों को एक सिस्टमेटिक तरीके से रोजगार से, नौकरियों से, अच्छे मोहल्लों से दूर किया गया था, और वो इस तरीके से किया गया था कि डर के जरिए। वो डर का माहौल अब ख़त्म हुआ है। अब हमको लगता है कि हाँ ठीक है, ये जो योजना है हम भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। और बुलडोजर का मामला कुछ इस तरह का है कि अगर आपके मकान, आपके मोहल्ले परमिशन से नहीं बनेंगे तो आप मुसलमान किस काम के? मुसलमान अशरफुल इंसान होना चाहिए, यानी कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन नागरिक अगर किसी को होना चाहिए तो मुसलमान को होना चाहिए, क्योंकि हमारे पर ज़्यादा जिम्मेदारी है हमारे मज़हब की, दीन की। हमारे सिविल स्कोर अच्छे होने चाहिए, हमारे सिविल सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, हमारे क्राइम रेट सबसे कम होने चाहिए, सबसे अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ हाइजीन हमारा होना चाहिए, बट सबसे पीछे खड़ा कर दिया मुसलमान। किसने किया सबसे पीछे, कौन इसके सबसे? जो रूल करते चले आ रहे हैं उन्होंने माइंडसेट को ऐसा डेवलप कर दिया। कल मैं काजी कैम गया था, मैं रात को 2 बजे दुकानें बंद करा रहे थे पुलिस वाले, बड़ा अच्छा लगा, मैंने वीडियो शेयर किया, क्योंकि होना चाहिए। रात भर जागने का माहौल किसने क्रिएट किया? ये माहौल जब रात भर लड़का जागेगा तो दिन में काम क्या करेगा? ये कल्चर डेवलप हो गया था। मतलब मुस्लिम समझते थे कि मतलब उनको कांग्रेस के टाइम में एक तरफ क्राइम मेंटालिटी की तरफ कि मियाँ भाई है लड़ लेगा, क्यों लड़ लेगा, हम लोग क्या लड़ने के लिए पैदा हुए हैं? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग जाहिल नहीं हैं। तो यहाँ जो काम हो रहा है, हाँ पढ़ा लिखाया हुआ है, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी रन करता हूँ, तो ये सब चीज़ें इन्हीं की वजह से हुई है। देखता मेरी 43+ एज है आज की डेट में, मैंने बिल्कुल बहुत डिटेल में देखा है इनके साथ कि इन्होंने इस तरीके से एक माइंडसेट डेवलप किया है मुसलमान के बच्चों का कि वो सोचते हैं कि हमें काम ही नहीं मिलेगा। मैं पिछले 25 साल से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी फर्म्स में काम किया है, कभी आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी मुझे मुसलमान होने की वजह से पीछे नहीं किया गया, कभी पीछे नहीं किया गया। बताइए उन लोगों को जो इस नाम पर लड़ाते हैं कि देखिए भेदभाव किया जा रहा है। 25 साल का एक्सपीरियंस है आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री का, आई नेवर फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू माय रिलीजन, कभी फेस नहीं किया, ना इधर कहीं भी नहीं किया गया, तो ये फैक्ट ये है, कहीं भी नहीं किया। जी आप भी कुछ कोई कहना चाह रहा था बुलडोजर पर, कुछ कमेंट रखना चाह रहे थे? सही काम है। अपराध देखिए, अपराधी जो है उसको अपराधी के चश्मे से देखना चाहिए, उसमें ये सब खौफ होगा इस चीज़ अंदर, डरेंगे कुछ करने से पहले किसी के साथ, तो चाहे वो कोई भी है कहीं से भी आता है, अपराधी जो है वो तो सही करवा रहा है मामा। गुनाहगार को सजा मिलना चाहिए, जो गलत करेगा उसका मकान तो गिरेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलफाम खान है, मैं वार्ड 20 से हूँ। और मामा जी जितनी योजनाएं लाए, सीखो कमाओ योजनाएं, मुस्लिम छात्रवृत्ति योजनाएं, लाडली बहना योजनाएं, संबल योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं हैं कि आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं लोग। इतनी योजनाएं इस बार 200 पार हम लोग निकल के आएंगे। 200 पार इस बार 200 पार कांग्रेस आंकड़े दिखा रही थी कुछ दिन पहले कि 50% दिखाने से क्या होता है, जो सच है वो सच है। अभी कांग्रेस सरकार रही है, सिर्फ तबादला योजना करी कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया। तबादला योजना के बाद शिवराज जी कैसा हो भाई साहब? शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद। ने तो ठाना ही है शिवराज जी को लाने का, भाइयों ने ठाना है, भाइयों ने क्या ठाना? भानो भाइयों ने भी ठान लिया कि शिवराज जी को ही लाना है। इतनी योजनाएं जो चालू करी है तो उसका भी फर्ज निभाना है। भाइयों ने भी ठाना है शिवराज जी को लाना है, बहनों ने तो कहा ही। ये एक राजनीतिक दल है जो फिरका परस्ती फैलाता है और माइनॉरिटी को बेवकूफ़ ज़्यादा बनाते हैं। अभी आपने देखा होगा लाडली बहना योजना जब आई तो ये फॉर्म भरे गए तो इन्होंने भी एक वादा किया था जिसके ज़रिए माइनॉरिटी को बिना वजह भीड़ लगा के शो करा था, आपने देखा होगा। क्या मतलब मियाँ हो गए, मतलब घर वाले इतने फालतू हैं, जाकर खड़े हो जाएँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाएँ, कुछ कर तो सकते नहीं हूँ। ये पूरे फार्म जो है समोसे कचौड़ी वालों को रद्दी में भीगे गए, आपने देखी होंगी वीडियो, कुछ होना आना नहीं है उससे। वो 1500 वाले आदमी को इतनी समझ तो किसी व्यक्ति को भी होना चाहिए कि जब हम सरकार में है ही नहीं तो हम बर्बाद क्यों यार? ये सरकार का काम है, किसी राजनीतिक दल का काम थोड़ी है, किसी राजनीतिक दल का काम है क्या? ये नहीं है, ये काम केवल सरकार का है, सरकार कर रही है, सरकार ने दिलाया, दिखा दिया। और देखिए और लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारी इस चर्चा में, उनसे भी बात करें, सबसे चर्चा करें। क्या नाम आपका? मैंने पहली बार देखा है कि 125 करोड़ महिलाएं ये इसमें लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़ी हैं, और हमारे ये भाई खड़े सब, और मैं गोपी खड़ी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने देखा मेरी बहनों भाइयों बहनों को मतलब मुस्लिम धर्म की और हिंदू सब साथ इकट्ठे होकर 125 करोड़ महिलाएं फार्म भरने जा रही थी, आज उनके खाते में अकाउंट में 1 करोड़ 25 लाख उनके खाते में हर महीने पैसे आ रहे हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं।
यहाँ पर किस प्रकार से आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या नाम है? नफीस। नफीस, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? शिवराज जी का माहौल है। शिवराज जी जी, मामा जी फिर से एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस कुछ दिन पहले शेयर कर रही थी कि 50 तक रह जाएंगे, अब तो बातें हैं, ख्याली पुलाव सभी बनाते हैं। ख्याली पुलाव सभी। चलिए कंक्लूड करने से पहले एक बार रैपिड फायर सबसे ले लेते हैं, एक आधे मिनट के अंदर। कमलनाथ या शिवराज, क्या लग रहा है कौन बने मुख्यमंत्री? 101% इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो शिवराज सिंह चौहान जी। 200 बार अब की बार कौन? शिवराज सिंह चौहान। 200 बार अब की बार 200 बार शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी। कौन लग रहा है मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री? शिवराज चौहान। मुख्यमंत्री? मामा। मामा मामा। कौन मुख्यमंत्री? मामा। शिवराज जी इस प्रदेश के फिर मुख्यमंत्री होंगे। मामा आएंगे, मामा हमारे। आपको कौन लग रहा है? शिवराज मामा जी आएंगे, और कोई नहीं आएगा। आपको कौन? शिवराज सिंह चौहान। 200 बार अब की बार 200 बार। देखिए, आपने सीधे यहाँ पर जनता से राय चुनी और मस्जिद हमाद के बाहर, जो ओल्ड भोपाल में ये मस्जिद काफी यहाँ की पुरानी मस्जिद है, और यहाँ पर आकर के लोगों ने बताया कि केवल और केवल बाकी लोग जो है आपस में बांटने का काम करते हैं, लेकिन जो सरकार चलती है, कोई भी सरकार हो, वो योजनाओं पर चलती है, वो विकास पर चलती है, और जो समाज वंचित रह गया है, जो लोग वंचित रह गए हैं, उन वंचित लोगों को आगे बढ़ाने का काम जो है सरकार करती है, और कहीं ना कहीं यही इन लोगों ने सीधे बताया और खुद वो दिखाया, योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, और इसीलिए वो फिर से एक बार चाह रहे हैं कि अब जो चुनाव आ रहा है उसमें शिवराज सिंह चौहान जी के साथ जो है वो ये लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री कैसा हो? शिवराज सिंह चौहान जैसा हो। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। भारत माता की जय। इस पूरी जो भी हमने आपको यहां से सर्वे की रिपोर्ट दिखाई, इस पर आपकी जो भी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको ऐसे ही चुनावी सर्वे दिखाते रहेंगे, आप अपनी राय जरूर इस बाबत जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करें।